नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। हम हर दिन पूजाएं करते हैं, जप करते हैं और माला का खास करके प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि हमें कौन सी माला से क्या जाप करना चाहिए, यानी क्या फायदा मिलता है, लाभ क्या मिलता है, किस माला से जाप करने से हमें लाभ मिलता है ज्यादा, या फिर हम कौन सी माला का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। किसी भी कार्य को अगर हम सही तरीके से करते हैं तो उसमें फल की गुंजाइश जो है वो बढ़ जाती है, वो एनर्जीज क्रिएट होती हैं और वही एनर्जीज आपके जीवन में सफलता की तरफ ले जाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। अब हम ज्योतिष में धर्म की बात करते हैं कि धर्म के अनुसार ये भी कहा जाता है कि हर माला का जप अलग तरीके से किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि हर माला के जाप करने से एक अलग बेनिफिट आपको मिलता है। बड़ा आसानी की सबसे पहले बात करते हैं, वो रुद्राक्ष की माला जो ज्यादातर लोगों के पास रहती है, रुद्राक्ष धारण किया होता है उन्होंने और उनकी माला से खास करके जप किया होता है। जब कोई भी माला जाप नहीं करने के लिए है तो आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं, ये बेझिझक कर सकते हैं। स्पेसिफिकली भी हम कुछ मालाओं का जिक्र करेंगे, लेकिन रुद्राक्ष की माला सर्वोपरि, यानी जब भी आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप रुद्राक्ष की माला का जाप कर लीजिए, और आपके पास नहीं कोई माला है अवेलेबल तो अपने रुद्राक्ष की माला से जाप करना उचित तो होता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन रुद्राक्ष की माला की भी जब हम बात करते हैं तो खास करके हमें कुछ खास ज्यादा फायदे मिलते हैं, जो ज्यादा फायदे मिलते हैं उनकी हम बात करते हैं। अब ये रुद्राक्ष कैसे है, ऐसे तो बहुत सारी इसकी पौराणिक कहानियों की तरफ चलते हैं तो बहुत सारी इसकी कहानियां हैं, कई तरीके से बताया हुआ है कि रुद्राक्ष जो है वो कैसे पैदा हुआ, कैसे बना, पेड़ कैसे बना। तो उनमें से एक कहानी ये भी है कि जब भोलेनाथ बहुत समाधि में लीन थे, भक्ति में लीन थे, पूरे अपने चक्रास को एक्टिवेट करने में लीन थे, शांत थे, समाधि लगा रखी थी, लग्न लगा करके बैठे थे, और उसके बहुत समय के बाद जब उन्होंने अपने आंखें खोली, नेत्र खोले, तो उनमें से जो अश्रु निकले थे, ये भी एक है। और दूसरा ये भी है कि सती के वियोग में भी उन्होंने जब कहते हैं कि अश्रु निकले थे तो वो जो अश्रु जहां गिरे थे, आंसू जहां गिरे थे, वहीं पर रुद्राक्ष के पौधे जो है, पेड़ जो है वो पैदा हुए थे। तो जब बड़ी साधना के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके आंखों में से एक नेचुरली एक अश्रु निकला, और वो अश्रु जहां जहां पड़ा तो उन अश्रुओं से ही रुद्राक्ष का पेड़ वृक्ष बना। एक कहानी ये भी है कि वो बूंदे जहां जहां पड़ी वहां पे रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हुए, तो उन्हीं पेड़ों पर जो रुद्राक्ष लगते हैं वही रुद्राक्ष धारण किए जाते हैं। अब रुद्राक्ष की एक और भी कहानी, एक और भी कहा जाता है कि रुद्राक्ष जितना ज्यादा बड़ा होता है उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, जितना बारीक होता जाता है उतना ही उसका फायदा, उसकी नेचुरलिटी जो है वो ज्यादा होती है, स्ट्रांग होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि रुद्राक्ष जो हम पहनना है कल्याण के लिए, अपने हित के लिए, अपनी एनर्जीज क्रिएट करने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए, अपनी खुशियों को चार चांद लगाने के लिए, अपनी जिंदगी को सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए, किसी भी चीज का प्रयोग जो होता है वो हमेशा अच्छाई के लिए ही है। हमें भगवान ने भी बार बार संकेत दिए है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो हर चीज का जो नटशल रिजल्ट होता है वो हमें अच्छाई की तरफ लेकर के जाता है। तो हमें अच्छाई की ओर अग्रसर होने के लिए ही कुछ चीजों को करना चाहिए। अब माला की बात आती है तो रुद्राक्ष की माला जितने छोटे मन के उतने ही अधिक अच्छे फलदायी माने जाते हैं पूजा के माध्यम के लिए, यानी आपके मंत्र चैंट को करने के लिए, और उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मांड की शक्ति, और ओम खाली ओम भी पूरी शक्ति को, कायनात को आपके आसपास ला देता है, आपके अंदर एक एनर्जीज पैदा करता है, और एनर्जीज ओम से बेटर आपको कोई अच्छी एनर्जी दे ही नहीं सकता है। ब्रह्मांड की पूरी शक्ति आपके इर्द गिर्द होती है, अपने ऑरा को पूरी अच्छी तरह से निखारने के लिए सबसे बेस्ट होता है ओम का उच्चारण, जो कि आप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं। ओम
नमः शिवाय, शिव शक्ति यानी विनाशकारी कल्याणकारी, तो दोनों एनर्जीज को भी आपने इकट्ठा कर लिया। यानी विनाशकारी का मतलब क्या होता है कि अपनी जितनी भी आपकी कुरीतियां हैं, गलतियां हैं, उनको खत्म करना, उनका विनाश करना। क्योंकि गलती को छोड़ना, गलती को अपनी जिंदगी से दूर रखना, उनका खात्मा करना। विनाश का मतलब ये नहीं कि दूसरे को मार देना, दूसरे को गिरा देना, दूसरे को चोट पहुंचानी। विनाश का मतलब ऐसी अपनी कुरीतियों को दूर करना जो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर हर्डल्स पैदा कर रही है, अपने जीवन के अंदर एक नेगेटिव एनर्जीज को प्रमोट कर रही है, तो उन बैड एनर्जीज को छोड़ना, दैट इज विनाशकारी। और कल्याणकारी, आप अपना भी कल्याण, अपना भी सुख और सामने वाले का भी हित, सामने वाले का भी हित के बारे में सोचना, उन्हें भी चोट नहीं पहुंचाना, उन्हें भी तकलीफ नहीं देना। चिंता मुक्त रहने के लिए, स्ट्रेस से दूर रहने के लिए, किसी भी परेशानी से बाहर निकलने के लिए रुद्राक्ष पर किए हुए मंत्र के जाप से आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मुक्तियां मिलती हैं आपके स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए। अक्सर कहा जाता है कि इन मंत्र का जो जाप होता है और खास करके रुद्राक्ष की माला का जो जाप होता है, ये किन डेज में करना चाहिए, यानी कौन से ऐसे दिन होते हैं जिन दिनों कोई भी त्योहार, कोई भी इवेंट अगर पड़ता है तो हम रुद्राक्ष की माला से उसका प्रयोग कर सके, उस मंत्र चैंट को कर सके। कोई भी त्योहार अगर शनिवार को पड़ता है या फिर सोमवार को पड़ता है तो आप रुद्राक्ष की माला पर उसका जाप इजीली वे में कर सकते हैं, बिना कुछ सोचे, बिना किसी परेशानी के। एक, आपका मन शांत होता है। दूसरा, आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। तीसरा, आपको बीमारियों से मुक्ति मिलती है। चौथा, आपकी बॉडी के चक्र एक्टिवेट होते हैं। पांचवा, आपके नर्व्स सिस्टम स्ट्रांग होता है, आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है। यानी रुद्राक्ष सिर्फ आपके गले में धारण करने से फायदे नहीं मिलते हैं, किसी भी मेल फीमेल्स के रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं तो उन्हें हमेशा बताया जाता है कि आप गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनिए। बट हाँ, अब इसके अंदर बात आ जाती है कि आपने कौन सा पहनना है, किस मुख का पहनना है, कितने मुखी का पहनना है, कौन से कॉम्बिनेशंस को बनाना है, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती है परफेक्शन की तरफ जाती है। परफेक्ट ज्ञान ही आपको हमेशा सुरक्षा की तरफ ले जाता है, अधूरा ज्ञान हमेशा जान माल का खतरा ही बनता है। तो एक, दूसरा महामृत्युंजय का जाप आप हमेशा रुद्राक्ष की माला पर ही करें। सोमवार को ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप भी आपको रुद्राक्ष की माला पर ही कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस भी हम और बनाएंगे, बताएंगे कि किस व्यक्ति को कौन से रुद्राक्ष धारण भी करने चाहिए। लेकिन जब हम माला की बात कर रहे थे, क्योंकि आप जब भी जाप करते हैं तो आपके अंदर एक बड़ी कंफ्यूजन रहता है कि हम किस माला का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कौन सी ऐसी माला प्रयोग करें जिससे ये मंत्र जो है वो सफल हो, वो एनर्जी क्रिएट करे, हमें उस कार्य में सफलता दे जिस कार्य के लिए हम किसी भी मंत्र को कर रहे हैं। तो रुद्राक्ष की माला से मंत्र करने से हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं, मेंटली डिप्रेशंस नहीं होते हैं, चंद्रमा कंट्रोल में रहते हैं, बीमारियां कम होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और विजन, आपकी सोचने की शक्ति जो होती है वो बहुत ही तीव्र तेज होती है। तो देखा आपने रुद्राक्ष कितना आपकी जिंदगी में खुशियां ला सकता है। बट सही विधा का चुनाव, सही तरीका और सही चीज, ये बहुत जरूरी होती है। रुद्राक्ष का जितना छोटा मन का होता है माला का, वो उतना ही फाइन क्वालिटी का होता है, ध्यान रखिएगा। कभी भी उसकी क्वांटिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये बड़े मन के हैं तो ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। क्वालिटी जो होती है वो जरूरी नहीं होती है देखने में बहुत बड़े साइज की हो, बट उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे मंत्र, सारे चैट आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जरूर करना है, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने हैं, क्योंकि जब भी कोई कोई इवेंट आते हैं तो हर किसी को खास करके कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सी माला से हम मंत्र चैंट करें कि हमें फायदा हो, लाभ हो। ऐसे बहुत सारी वीडियोस मैं और भी निकालूंगी ताकि सारी वीडियोस आप तक जरूर पहुंचे, और ये वीडियोस आप दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।